कर्नाटक में किसकी सरकार वोटिंग के ट्रेंड और एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस के उत्साह काफ़ी ज़्यादा चरम पर। हमारे साथ बात करने के लिए पवन खेड़ा जी हैं। सर, कर्नाटक में इस बार ट्रेंड कुछ अलग दिख रहा है, कोशिश हुई कि ध्रुवीकरण की तरफ जाए, लेकिन आप लोगों ने 5 वादे किए, किस तरीके से सर कर्नाटक में किसकी सरकार होगी? जिस तरह का हमारा प्रचार रहा, जिस तरह से मिलकर हम लोगों ने वहाँ चुनाव लड़ा, लोग हमारे प्रचार को हमारी 5 गारंटियों पर पूरी तरह से विश्वास रखते हुए आज वोट दे रहे हैं और वो 40% कमीशन की सरकार को रिजेक्ट करना चाहते हैं, उसको सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। लेकिन सर, जो बार बार प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आप वोट जाएं तो बजरंगबली का नारा लगाएं, कई जगहों पर ऐसी खबरें आई कि सिलेंडर की लोग पूजा कर रहे हैं, 3 सिलेंडर मुफ्त देने का बात किया गया, आप लोगों ने उसके मुकाबले चुनावी एजेंडा पर कायम रखे, तो क्या आपके चुनावी एजेंडा जो आम लोगों से जुड़े थे, बेरोजगारी, महंगाई, क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश में बीजेपी कामयाब? हमारा एक सकारात्मक कैंपेन था, सकारात्मक प्रचार था, लोगों को सकारात्मक प्रचार पसंद आया और हमारी 5 गारंटीज उन्हें बिल्कुल पसंद आई और वो चाहते हैं कि इन 5 गारंटीज वाली सरकार को, पार्टी को सरकार में लाए। सर, News 24 एग्जिट पोल भी दिखाता है और उसमें कांग्रेस को बढ़त दिख रही है, उसमें तो क्या लग रहा है कि जो आपका लोकल लीडरशिप था और जो नेशनल लीडरशिप था उसकी कोशिश रंग लाई, या फिर जो वोट का जो पैटर्न था खास करके मुद्दों के आधार पर आप लोग बटने की कोशिश नहीं हुए, ध्रुवीकरण के पिच पर आप लोग खेलने की कोशिश नहीं की, हालांकि आरोप लगाया कि 91 बार गाली दी गई, जहरीला सांप कहा गया, नालायक कहा गया, तो इन सब चीज़ों का क्या आपको कुछ नुकसान हुआ, या फिर जो मैनिफेस्टो में आपने बजरंग दल और PFI जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात की तो उससे कुछ फ़ायदा दिख रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगहों पर जहाँ पे JDS को नुकसान हो रहा है तो उसके वोट को कांग्रेस की तरफ सिर्फ दिखा जा रहा है, या JDS अगर कम होता है सर तो क्या कांग्रेस लग रहा है कि मजबूत होगी? हमने जितनी 5 गारंटीज हमारी थी, जो भी हमारा प्रचार था, जो भी हमारे वादे थे, वो कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों को दिमाग में रखते हुए किए थे। मुझे गाली दे दी, मेरे बारे में ये कह दिया, वो कह दिया, उससे जनता को कोई मतलब नहीं। लोगों को उनकी ज़िंदगी किस तरह से कठिन कर दी गई थी पिछले 4 सालों में कर्नाटक में, लोगों को इस बात से मतलब है। उस कठिनाई को, उस परेशानी को दूर करने वाली पार्टी, जो बात हम कर रहे थे, वो हमारी ही पार्टी लोगों को समझ में आ रही है कि इनकी 5 गारंटियाँ हमारे जीवन की परेशानी दूर करें। लिंगायत, वोकालिंगा, ध्रुवीकरण, इस सब पर आप, ये मुद्दे कर्नाटक में नहीं है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है। कर्नाटक 6.5 करोड़ लोग इंतज़ार कर रहे हैं आज के दिन का, ये पूरा चुनाव वो 6.5 करोड़ लोग लड़ रहे हैं 40% कमीशन सरकार के खिलाफ। कर्नाटक में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक के हित की सरकार, 6.5 करोड़ लोगों के बारे में जो सोचे वो सरकार, वो है कांग्रेस की सरकार। शुक्रिया। तो पवन खेड़ा है और बता रहे हैं कि कांग्रेस में इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होगी। एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस के उत्साह चरम पर दिख रहे हैं। कैमरामैन रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।